हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सब्ज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याज की सब्ज़ी बनाना बहुत आसान है इसको बनाना। तो मैंने यहाँ पर प्याज कट कर लिए हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 प्याज कट कर लिए हैं और उनको मैंने पानी के अंदर काट लिया है। प्याज हम जब भी काटें तो पानी के अंदर ही काटने चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा रुलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्ज़ी बनाना। मैंने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर सबसे पहले ऑयल डालेंगे, सरसों का 1 बड़ा चम्मच के करीब मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ और ऑयल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देना है। तो ये देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब जीरा डालेंगे और जीरे को थोड़ा सा भूनने देते हैं, थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं जीरे को। तो जीरा भी हमारा बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने के बाद में हम इसके अंदर डायरेक्ट प्याज छोड़ देंगे और हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, ओनली प्याज ही डालेंगे और प्याज को मिक्स कर लेंगे। प्याज को फ्राई करेंगे यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 मिनट तक हमें प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। और फ्रेंड्स, प्याज की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आप इसको तरीके से बनाते हो तो बहुत टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है। गर्मियों के मौसम में हमें ज़रूर खानी चाहिए प्याज की सब्ज़ी। कई लोगों को प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, लेकिन उनके बनाने का तरीका सही नहीं होता है शायद, इसीलिए आप एक बार अगर नहीं पसंद है तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्याज की सब्ज़ी को बनाना। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है प्याज की सब्ज़ी। तो ये देखिए प्याज मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 मिनट तक भूनने के बाद में, फ्राई करने के बाद में मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी तक मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है। अभी हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, कुछ देर बाद में डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम कम ही रखा है, मीडियम, ना तो कम ना ज़्यादा, मीडियम फ्लेम पर गैस को रखा है। मीडियम फ्लेम पर हमें सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और बहुत टेस्टी बनती है हमारी प्याज की सब्ज़ी। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्याज को मसालों के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हमारे मसाले और प्याज। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और 1 से 1.5 मिनट तक ढक्कन लगा के इसको पकने देते हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद में देखते हैं कि हमारे प्याज हैं वो अच्छे से मसालों के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मतलब मैं यहाँ पे 1/2 गिलास पानी डालूंगी, बिल्कुल ही 1/2 गिलास पानी, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए और सब्ज़ी हमारी घुली घुली बने और प्याज भी आसानी से जल्दी से पक जाए। अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है तो आप पानी मत डालिए बिल्कुल भी, बिल्कुल वैसे ही पका लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे पहले ढक्कन लगाया था। 1 से 1.5 मिनट के बाद में मैंने ढक्कन हटा दिया, तो आप उसको 3 से 4 मिनट तक लगाए रखिए, उसके बाद में हमारी जो सब्ज़ी है वो सूखी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। बट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी के लिए इसके अंदर ढक्कन लगा दिया है। तो इसके बाद में मैंने ढक्कन लगा के पानी डालने के बाद में और 2 मिनट तक वापस से पकाया है। ये देखिए 2 मिनट के बाद में हम ढक्कन हटा के देखते हैं कि हमारी प्याज की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जूसी लग रही है हमारी ये सब्ज़ी खाने में, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है ये सब्ज़ी। और बस हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। आप सोचते होंगे प्याज थोड़े कच्चे ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं अगर इस तरह से हम प्याज रखते हैं। ज़्यादा नहीं गलाना हमें प्याज को, वरना सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है। हमारी प्याज की चटपटी और मज़ेदार सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।